हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरव व्लॉग्स। और इस समय मैं जा रहा हूँ इन ऑर्बिट मॉल। मूवी लगी है, विजय जो एक्टर हैं उनकी एक मूवी आई है जिसका नाम है रॉ, मतलब बीस्ट भी नाम है, रॉ लिखा हुआ था, आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो वहीं जा रहा हूँ। आज बाइक लाने का मन नहीं था इसलिए ऑटो में आ गया। पहुंच गया हूँ इन ऑर्बिट मॉल के पास। ये सामने आपको दिख रहा होगा इन ऑर्बिट मॉल, और पीछे से भी है इसमें एंट्री, लेकिन मैं आगे की तरफ से आया हूँ। तो फटाफट यहाँ से उतरते हैं और टाइम भी होने वाला है मूवी का, तो जल्दी चलते हैं। तो गाइज, ये है इन ऑर्बिट मॉल और ये मलाड जो स्टेशन है वहाँ पर पड़ता है, मुंबई के मेरे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इतनी सुबह भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं, मुझे लगा कि मॉल खाली होगा, काफ़ी लोग आए हैं। तो गाइस, मॉल तो अंदर से आपको पता ही है कि एक नंबर है ये, और काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है, देख लो सामने ही, ये देखो। और यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले भी कि इन्फिनिटी मॉल से अच्छा इंटीरियर मुझे इस मॉल का लगता है। आज काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है, और ये तितली वगैरह क्या बनी हुई है, कुछ तो बनी हुई है वट एवर, लेकिन जो भी है प्यारा है, अच्छा लग रहा है। अब मुझे जाना है सेकेंड फ्लोर पर, और ये है थिएटर। यहाँ पर भीड़ आपको दिख ही रही होगी, यहीं से दिख गई होगी भीड़। मैंने अक्सर देखा ना, साउथ की मूवी का क्रेज़ अलग ही लेवल रहता है, तो काफ़ी लोग आए हैं। ये देखिए सामने भीड़ लगी हुई है, और लोग बिजी हैं फ़ोटो वोटो खिंचाने में, सही है। लेकिन इतनी सुबह इतने लोग आएंगे मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था मैं इतने सुबह सुबह वाले शो में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिन में कुछ काम था इसलिए मुझे सुबह का शो करना पड़ गया था। फिर भी काफ़ी लोग हैं यार यहाँ पर। यहाँ पर होगा टिकट चेक, फटक से कराते हैं टिकट चेक और फिर निकलते हैं इधर। मैं आ गया हूँ अंदर, और अंदर से आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत है ये थिएटर। मुझे जाना है स्क्रीन नंबर 5 पे, जो कि है मेरे राइट साइड पे, और तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ मॉल, क्योंकि अभी शो स्टार्ट होने में टाइम है थोड़ा। तो यही है गाइज मॉल, देख लीजिए यहाँ से अंदर का थिएटर, और ये सामने IMAX है। IMAX गाइज मैं बता दूँ, बहुत ही इसकी जो क्वालिटी होती है एक नंबर की होती है, और यहाँ पर कुछ तो बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए इधर आ गया हूँ। ये देखिए कुछ ये रॉड से बना हुआ गाइस, अब स्टील की रॉड से क्या हैं, लेकिन आप देखो पूरा रॉड से है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पूरा एक नहीं है, ये अलग अलग रॉड से मिला के इसको इस तरीके का शेप दिया गया है। मैं इधर से भी दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये जितना आपको कैमरे पर अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में एक नंबर दिख रहा है। स्क्रीन 5 में जाना है, शुरू होने में टाइम है। और गाइस, इस थिएटर का नाम है IMAX। क्वालिटी बहुत अच्छी आती है यहाँ की, और यहाँ देखिए ऊपर लाइटें देखिए, क्या एक नंबर लगी हुई है। मुझे लग रहा है अभी तक एंट्री स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार जाके चेक करके आ जाता हूँ, क्योंकि पता चल रहा है मैं बाहर रह गया और अंदर लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से है एंट्री, एक बार चल के देख लेते हैं। एक और दरवाज़ा अंदर, और ये सामने एंट्री है गाइस। रास्ते में बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, हल्का हल्का दिख रहा है। फिल्म अभी तक चालू नहीं हुई है, खाली पड़ा है। 70 टाइम लगेगा, 5 मिनट, ठीक है। मूवी स्टार्ट होने में टाइम है गाइज अभी, और अंदर साफ सफाई चल रही है। मैं एक्टर विजय की ये शायद दूसरी मूवी है जो थिएटर में देखने आया हूँ। फर्स्ट मूवी जो मैंने देखी थी वो थी तलाइवा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है हेमंत, आप जानते होंगे, तो उसने तलाइवा में वर्क किया था। तो यहाँ पर ये कोई तो छिड़काव के लिए अंदर बंदा जाते हुए, जैसे शादी का लड्डू होता है ना, जो खाया भी नहीं जाता पचाया भी नहीं जाता, वैसे ये हैं टॉफियाँ, खा भी नहीं सकते इनको, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ देखो मजे लो, बच्चे लोग नीचे खड़े होकर इसके ललचाऊँ। अरे लाइटें एक नंबर लग रही हैं यार, ये देखो यार क्लोजली देखो, जैसे आड़ी तिरछी लगा रही हैं, लेकिन लग बहुत प्यारी है। और इधर ये भाई फुल खतरनाक मोड में खड़ा हुआ, ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए, ये बेचारे अंदर घुसने की फिराक में, लेकिन ये भाई घुसने नहीं देगा साला। और फाइनली गाइज एंट्री स्टार्ट हो गई है, सभी लोग अंदर जाने लग गए, मैं थोड़ा सा बल्कि 1-2 मिनट लेट ही गया हूँ, तो चले अंदर को फटाफट। मूवी अभी स्टार्ट होने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है शुरू में बहुत ऐड वगैरह दिखाते हैं, वही सब चलेगा अभी।
अंधेरा है, दिख नहीं रहा है। एक तो बाहर से उजाले से आए हैं तो एकदम कुछ दिख भी नहीं रहा है अंधेरे में, थोड़ा थोड़ा रोशनी है। देख मेरी सीट है E10 पे। इंटीरियर आप देखो यार, हॉल का इंटीरियर बहुत अच्छा कर रहा है, थोड़ा वेट तो करना बनता है। जैसे कि बोला था एड चल रहे हैं अभी फिलहाल, और अंदर से हॉल अच्छा है, देखने में भी अच्छा है। जिन लोगों को रील्स और टिकटॉक और फोटो खिंचाने का शौक है ना, उन लोगों के लिए तो अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्टर विजय है, इनकी ये दूसरी फिल्म है जो मैं यहाँ देखने आया हूँ। फर्स्ट जो है तलाइवा देखने गया था, उसमें मेरे फ्रेंड हेमंत ने काम किया था। तो हुआ यूँ था कि भाई यार फिल्म चालू हो गई लग रहा है, यही वो एक्टर हैं जिनकी ये फिल्म है थलपति विजय, काफी फेमस है। यहां पर आई एक तड़कती भड़कती हुई फाइट। ये आया एक तड़कता भड़कता हुआ डांस नंबर। और इस वाले सीक्वेंस को तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, क्योंकि ट्रेलर में भी यही फाइट सीक्वेंस दिखाया हुआ है। लो जी हो गया इंटरवल, और यहाँ से ये जो विंडो दिख रही है यहीं से पूरी फिल्म प्रोजेक्ट होके सामने स्क्रीन पे जाती है। तो गाइस फिलहाल हुआ है इंटरवल, और अगर फिल्म की बात करें तो अभी तक जो हाफ मूवी जो गई है जो मैंने देखी है तो ठीक है मूवी। थोड़े फाइट जो फाइट सीक्वेंस है मुझे थोड़े अच्छे लगे, और बाकी मुझे लगा था कि जो एंट्री है हीरो की उतनी खास नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि यार साउथ में आपको पता है कि जब एक्टर आता है तो उसकी एंट्री आपको पता है ये कैसी रहती है, उस हिसाब से एंट्री नहीं थी, बहुत नॉर्मल एंट्री थी। जो फैंस हैं उनको डिसअपॉइंट हुआ होगा एंट्री को लेके। और फिल्म एक ठीक है एवरेज मूवी, अगर मैं बोलूँगा एवरेज मूवी है। जैसे आप अगर RRR और KGF को लेके अगर ध्यान में लेके यहाँ पर आए हैं तो उस हिसाब की मूवी नहीं होगी। हाँ अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, लेकिन उस लेवल की नहीं होगी जैसा कि आप सोच के आए हैं। फिलहाल ठीक ही है, जितना अभी मैंने देखी है उस हिसाब से ठीक है। फिल्म खत्म हो गई गाइस, ये लास्ट सॉन्ग चल रहा है। तो मूवी हो गई है ख़त्म गाइज, और मूवी के बारे में फिलहाल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि मूवी मुझे उस हिसाब से उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। क्योंकि मैं तो दिमाग में KGF और RRR को रख के ही लाया था कि उसी लेवल की मूवी होगी। ठीक है, बट वन टाइम वॉच है मूवी, आप जाके एक बार देख सकते हैं। जो लोग भी विजय थलपति जो एक्टर हैं उनके फ़ैन हैं वो लोग इन्जॉय करेंगे। तो वैसी भूख लग रही है, ये सब खाने की चीज़ें दिखा रहे हैं मेरे को, फटाफट मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाता। तो भाई बात फिल्म की करें तो गाइज फिल्म का टोटल यही है कि जो फैन है उन लोगों को वो एक्साइटमेंट नहीं आएगा जैसा एक आपको लगता है आपका फेवरेट एक्टर जब एंट्री लेता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी। बाकी कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, फाइट सीक्वेंस कुछ कुछ अच्छे हैं। बाकी मैं अब निकल रहा हूँ घर को, और आप जाने से पहले इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।